जी न्यूज इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। कालाबाजारी करने लेकर जा रही 19 बोरी गोल्ड मोहर गुटखा जब्त। बयाना पूर्ण लॉकडाउन के चलते गांधी चौक पर लग रहे पुलिस प्रशासन के चेकिंग स्टाफ ने गोल्ड मोहर गुटखा पान मसाला की गाड़ी पिकअप को जब्त किया। एएसआई सियाराम धाकड़ सिटी इंचार्ज ने बताया कि दोपहर के वक्त एक पिकअप गाड़ी RJO25227 पंचायत समिति की तरफ से आ रही थी। जब गाड़ी को रुकवा कर ड्राइवर से गाड़ी में क्या माल है पूछा गया तो उसने गाड़ी में नमकीन होना बताया, परंतु उसकी हड़बड़ाहट देख कर हमें शक हुआ और गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में गोल्ड मोहर गुटखा से भरी हुई 19 बोरियां प्राप्त हुई, जिनके कोई भी कागजात गाड़ी चालक पर नहीं मिले। गाड़ी को कोतवाली लाकर सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते गुटखा एजेंसी वालों के पोवारे हो रहे हैं, माल को रोक कर चोरी छिपे इधर उधर सप्लाई कर रहे हैं और जहां की एजेंसी है वहां माल दुकानों को शॉर्ट बता रहे हैं, जिससे बाजार में ब्लैक चालू हो गया है। ब्लैक के चलते आदमी गुटखा खाने के लिए कोई भी कीमत देने को सहज में तैयार हो जाता है। जब किसी भी फैक्ट्री को सरकार द्वारा बंद नहीं किया गया है, जिससे लेबर को परेशानी आए। बताइए, आज दिनांक 11/5/21 को समय करीब 11:15 बजे की बात है, गांधी चौक पर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए वाहनों की चेकिंग की जा रही, रोकथाम की जा रही थी। तभी एक पिकअप RJ02 5227 पंचायत समिति की तरफ से आई, जिसको भी रोका गया चेक, जिसके ड्राइवर से पूछा इसमें क्या है तो उसने उसको नमकीन होना बताया, लेकिन ड्राइवर के बोलने में घबराहट थी, शंका होने पर उसको चेक किया तो उसने 19 बोरे गोल्ड मोर के अवैध पाए गए, जिनका कोई कागजात नहीं। गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है।